हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लगभग गांव वाले बता रहे हैं 100 वर्ष हो गया, लेकिन 7-8-9 महीने हो गए होंगे एक छोटी सी पुलिया नहर विभाग बन गई, लेकिन नहर विभाग की लापरवाही के कारण आवागमन एकदम बाधित है। लेकिन एक सीएम भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक कह रहा उसकी भी बात नहीं सुनते हैं। उन्नाव से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में सरकारी अधिकारी किस तरह से काम में ढिलाई बरत रहे हैं, इसकी एक वानगी उस वक्त देखने को मिली जब अधिकारियों के कामकाज से नाराज बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला देर रात धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठते ही हड़कंप मच गया, तुरंत ही अधिकारी विधायक की मांग मनोवत करने के लिए पहुंच गए। वहीं नाराज विधायक आशुतोष शुक्ला ने कहा कि मेरे कार्य क्षेत्र में रूपपुर से जोरावरपुर मार्ग पर पिछले करीब 10 माह से एक पुलिया टूटी है। कई बार उन्होंने अधिकारियों की इस पुलिया के निर्माण कराने के लिए कहा, लेकिन हर बार अधिकारी बहाना बनाकर बात को टाल देते थे। वहीं जब इन्होंने हाल ही में अधिकारी से इसके बारे में पूछा तो अधिकारी ने कह दिया कि पुलिया का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन जब विधायक पुलिया के पास पहुंचे तो कहीं कोई निर्माण कार्य पुलिया के पास हुआ ही नहीं था। इस बात से विधायक का गुस्सा फूट पड़ा और वो वहीं पुलिया पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने कहा कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्षेत्र की जनता की अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो कैसे जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। हो चुके हैं, बाईपास बनाया नहीं गया, एक छोटी सी बहुत छोटी पुलिया बन गई जो एक महीने में बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी, 10-11 महीने हो गए। इससे हमारे प्रधानमंत्री जी की अभी लोकसभा चुनाव खुकने, हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारे सिंचाई आदरणीय सिंचाई मंत्री जी की बदनामी होती, जनता परेशान हो रही। हमको चुनाव में 6 महीने बाद जाना है, हम कैसे जनता के बीच वोट मांगने जाएं। मैं नाराज नहीं हूँ किसी अधिकारी, लेकिन मैं दुखी। विधायक आशुतोष शुक्ला के पुलिया पर धरने पर बैठने की खबर मिलते ही एसडीएम बीघापुर और क्षेत्राधिकारी बीघापुर मौके पर पहुंच गए। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और बोला कि ठेकेदार ने उन्हें झूठी जानकारी दी थी और उन्होंने साइट विजिट भी नहीं किया था। पुलिया बनाने के लिए उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की कि नहर में पानी भी नहीं आ रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि जल्द ही पानी की समस्या भी खत्म कर दी जाएगी। इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक विधायक आशुतोष शुक्ला धरने पर बैठे रहे, लेकिन जब अधिकारियों ने कहा कि 2 दिन के अंदर सब सही हो जाएगा तो विधायक शांत हुए और उन्होंने अपना धरना खत्म किया। और पूरी जनता के सामने अभी आपसे किया ना लियो, तो बता दीजिए आप 1 किलो मिठाई कभी लियो तो बता। मरली विधायक आशुतोष शुक्ला।